नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा था कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो शेयर मार्केट में एकदम से इतनी मंदी आई है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैंने तकरीबन 8 महीने पहले ही पूर्व में आकलन करके आपको यह जरूर बताया था अपने वीडियो के अंदर कि आने वाले समय में शेयर बाजार में तेजी नहीं रहेगी, बल्कि एक मंदी का दौर आरंभ होगा। साथ ही मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि बृहस्पति सोने के अंदर तेजी भी जरूर लाएंगे, क्योंकि शनि ने धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश किया था और यहां पर जो मंदी सोने के अंदर या स्थिरता सोने के अंदर काफी लंबे समय से आप देख रहे थे, उसमें अचानक से तेजी आने के योग बनते थे। और ऐसा ही एक योग यहां पर अभी अगले 3 महीनों में और बन रहा है, जिसमें आप सोने के अंदर बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित तेजी मंदी का दौर देखेंगे। और लगभग यह अप्रैल, मई और जून का महीना रहेगा जब आप सोने के अंदर बहुत बड़ी तेजी मंदी का दौर देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड तेजी भी देखेंगे और वहां से उसका डाउनफॉल भी देखेंगे। दोस्तों, ये समय किसी भी कीमत पर आप लोगों का फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, और ये दौर यहीं पर नहीं रुकेगा। अक्टूबर 2021 तक आप लोग पेशेंस रखें। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये समय है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट निकाल लेने का, लेकिन जो मेरे संपर्क में लगातार रहे हैं या मेरे से संपर्क में रहते हैं, उन लोगों को मैंने 6 महीने पहले ही इस स्थिति के बारे में बता दिया था और उन सभी ने अपने इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके से मार्केट से विड्रॉ भी कर लिए हैं और अभी वो आराम से इंतजार कर रहे हैं मार्केट के स्टेबल होने का। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि अब हम वापस इसको इन्वेस्ट कब करें, तो मैंने उनको सभी को यह कहा है कि अभी 1 साल शांति रखिए, 1 साल नहीं बल्कि 1 साल से भी थोड़ा ज्यादा समय, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आप लोग शांति रखिए, फिर मार्केट में आप अपना पैसा लगाइएगा, आपको निश्चित तौर पर अगले 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन यह समय अभी किसी भी कीमत पर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, बल्कि यह समय अभी बहुत ही शांति के साथ बैठने का है, क्योंकि यहां पर ये उतार चढ़ाव अभी और चलेगा। दोस्तों, जब भी मैं इस तरह की कोई बात कहता हूं तो उसके पीछे केवल एक आकलन नहीं होता है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, उसका आकलन, वर्तमान के गोचर का आकलन, जो परिस्थितियां बन रही हैं, बृहस्पति जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, शनि जिस राशि में आए हैं, वो सभी परिस्थितियां मिलकर के इस बात का संकेत दे रही हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अभी अगले साल अक्टूबर तक हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। ये समस्या अभी इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है। कोरोना वायरस तो केवल बहाना है। वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, ये पूर्व में ही इसका पता था कि इस तरह का परिवर्तन यहां पर आने वाला है, क्योंकि वर्तमान में ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति की चाल भी अप्रत्याशित है, शनि अपनी राशि में है और ये जो परिस्थितियां पूरे विश्व में बन रही हैं, चूंकि कुछ समय के लिए बृहस्पति और शनि भी अस्त हुए थे, ऐसे में ये परिस्थितियां बनना स्वाभाविक है और इसका प्रभाव अगले काफी लंबे समय तक हमको देखना पड़ेगा। हां, लेकिन इतना जरूर है कि अक्टूबर 2021 के बाद किसी भी कीमत पर आखिरी मंदी नहीं रहेगी, इसका समाधान निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि अक्टूबर 2021 के बाद लगातार समय एक ऐसा रहेगा जो आर्थिक रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन तब तक हालात को संभाल के रखना, अपने आप को बचा के रखना और इस मंदी के दौर में अपने आप को स्थिर रखना, ये हमारी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए जो लोग भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपने व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली के अलावा भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब गोचर के अंदर परिस्थितियां खराब हो तो आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई अच्छे योग बन रहे हैं तो भी उसके पूरी तरह से फलित होने की संभावना बहुत कम रहती है। आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वो रिटर्न नहीं आएगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराइए,
अगर आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है तभी आप वो काम कीजिए, और अभी नए इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को बचा के रखिए। एक सवा साल के बाद में जब समय सही होगा तब आप अपनी पूंजी अपना सामर्थ्य लगाकर दोबारा से सक्रिय होगा, आपको आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मुझे लगा आप सभी को ये अवेयरनेस देनी मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए मैंने वीडियो बना करके आप सभी के सामने बात रखी है, ताकि आप सभी अपने जीवन के अंदर जिन भी परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं उसके अनुसार सही निर्णय ले पाए। ये समय किसी भी तरह से अभी रिस्क लेने का नहीं है। अगले साल अक्टूबर तक आप सभी को सावधानी जरूर रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।